बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनमजिया, आप देख रहे हैं अरोमेटिक फूड बाय अनमजिया। आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज हम जो आपके लिए रेसिपी लाए हैं, कोरियन चिली गार्लिक सीसम टैटो, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो चलें जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी हमने ये शीशे के बाउल में अपने ये आलू सारे निकाल लेने हैं। ये हमने अपने आलू इसमें ऐसे निकाल लिए हैं। अब हमने इसको आपने बहुत एहतियात करनी है। हमने इसको मैश करने में इस तरह हम इससे चक स्पून की हेल्प से मैश कर लेंगे अच्छे से। अब ये हमारा हाफ कप कॉर्नफ्लोर है, ये हमारा इसमें चला जाएगा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से हमने इसको ऐसे गूंद लेना है हल्का हल्का, और थोड़ा सा पानी लगा के हमने अपनी ऐसी एक डो सी तैयार कर लेनी है। ये हमारी ऐसे एक डो रेडी हो जाएगी। तो अब चले हमने इसके ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर हमने इसका ये डो को पकड़ के ऐसे हमने साथ में ऐसे बॉल बना लेने, ऐसे बॉल बनाते जाने हमने ये इस तरह से। मैंने आपके सामने ये एक बॉल बना लिया। अब हम बॉटल की हेल्प से इसको उसकी फ्रंट साइड से हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ऐसे हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। आपने बहुत एहतियात से करनी है, टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से बनाते जाना है। ये एक मैंने आपके सामने रेडी किया, ऐसे मैं आपके सामने एक और रेडी कर रही हूँ। ये मैं आपके सामने एक और रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने एक और भी ये रेडी कर लिया है। ये हमारा एक और भी ऐसे रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने ना अपने ये सारे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हमारा पानी बॉयल हो गया है, अब हमने एक एक पकड़ के इसमें डालते जाना है, एहतियात से डालना है। अपने ऐसे हमने ये डाल लेने अपने सारे, कुछ देर हमने इनको कुक करना है। ये हमारे थोड़े से वो हो जाएं अच्छे से, ये हमारे इस तरह से हो जाते हैं। ये देखें हमारे ये इस तरह से हो गए हैं। तो हमने एक शीशे के बाउल में पहले से पानी ठंडा करके रख लिया था, और हमने इसको इसमें से निकाल के उस पानी में डालते जाना है। और इस तरह से ये देखें हमारे ये कितने अच्छे से हो गए हैं, ठंडे पानी में जाके बहुत अच्छे ये हमारे हार्ड से हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से हो गए हैं। अब हमने इसको दूसरे शीशे के बाउल में डाल लेना है, और अब हम इसमें सोया सॉस चला जाएगा। सोया सॉस हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दिया है, ये हमारा इसके अंदर चला गया। और 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ये चिली गार्लिक डाल दी है, रेड चिली पाउडर हमारा इसमें 1/2 टीस्पून चला गया है। अब हमने सॉल्ट डाला, ये हमारा 1/2 टीस्पून है। शुगर भी हमने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है, ये हमारी शुगर चली गई है। अब हमने इन सारी चीज़ों को ऐसे मिक्सिंग कर लेनी है इसकी अच्छे से। हमने इन सारी जो चीज़ें डाली हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ऐसे हमारी ये मिक्सिंग हो गई है। तो चलें अब ये जो हमने इसका तड़का सा गार्लिक का तैयार किया था, ये हमने इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। ये हमारा इस पर चला गया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है गार्लिक का जो हमने तड़का इसके ऊपर लगाया ना, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये हमारा इस पर कोरिएंडर हमने डाल दिया, ये हमारा इसमें चला गया। चले जी अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह हमारे बहुत मज़े की बहुत डिलीशियस रेसिपी तैयार हुई है। तो चलें जी अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और रमज़ान में ज़रूर बनाएँ और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलें जी आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।